इसकी मार्जिन लाइन ज़रूर लगा लें और बिल्कुल सेंटर में आपने एक रेक्टेंगल बना लेनी है। ये बना ली, उसके बाद देखें कि ये जो सेल्स हैं बीच में और इनकी जो एंगल है वो है इस तरह तिरछा। ये हल्की हल्की लाइनें आपने चंद फासले पे आपने लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसी के अंदर रहते हुए आपने इनके पार्ट्स कर लिए हैं। ये देखें इस तरीके से ऐसे बाहर जाए, फिर अंदर, फिर इसी तरीके से इसी को आप बनाते जाएंगे। लाइनें हमने इसलिए लगाई हैं ताकि हमारा जो एंगल है वो एक जैसे ही रहे, इसमें चेंज ना आए। इस तरीके से बना लें और इसमें जो पेंसिल को लटा के आप बना सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस है, और थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग आपने कर देनी है ये पेंसिल को लटा के। एक साइड पे रखें इसको, इस साइड पे ना लेके आइएगा। हल्का सा जो है ना आपने इस तरह टच देना है और ब्लेंडर की मदद से आपने इसकी ब्लेंडिंग कर देनी है। ये देखिए ये थी हमारी आज की डायग्राम।